तो दोस्तों, मैं अनुज सदा हाजिर हूँ आपकी सहायता के लिए। आज जानते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रोडक्ट है ऐड करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली होंगी। तो यहाँ देखेंगे अपने प्रोफाइल में, तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो ये ऊपर अपने प्रोफाइल में देख सकते हैं कि डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड खुल गया। इसमें अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिस्त्री मित्र का लोगो आ रहा है, फिर आप जो भी वॉलपेपर लगाएंगे वो आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड दिया है, उसके नीचे ऐड प्रोडक्ट दिया है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ये चीज़ दिखने लगेगा। उससे पहले आप देखे थे कि ई वैल्यूएशन लिख के कुछ आ रहा था, जब तक वेरीफाई नहीं हुआ था। तो यहाँ अब आपको एड प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। तो कुछ ऐसा खुलेगा एड प्रोडक्ट में, तो जनरल इन्फॉर्मेशन लेगा, डिटेल लेगा आपका। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज सबसे ऊपर, आपको जो इमेज लगानी है, जैसे कि आप अगर वर्कर हैं तो किसी ऐसा इमेज लगा सकते हैं जिसमें वर्कर हो, या आपको ये पता चले कि आप वर्कर हैं, या आप सेलर हैं तो जो जो आप सेल करना चाहते हैं तो वो चीज़ का वॉलपेपर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फाइल में जाता है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता है गैलरी, और मैं सपोज कोई भी इमेज एक दे देता हूँ। इसमें आप अब देख सकते हैं कि इसमें ऊपर देखा है ट्रिक लिखा हुआ है, तो लिखा है एड ए प्रोडक्ट फॉर सेल। तो आप इसमें एड ए प्रोडक्ट आर सर्विस, तो जिस जो मिस्त्री हैं वो 2 नंबर दे सकते हैं। जो भी सेल करना चाहते हैं, जो भी सेलर हैं अपना मटेरियल सेल करना चाहते हैं, वो 1 नंबर में ऊपर वाले में दे सकते हैं। जिसको ज़्यादा सेल करनी है ज़्यादा, वो 3 नंबर वाला सेलेक्ट कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरीज हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर है तो यहाँ पे मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा, यहाँ पे सारी कैटेगरीज खुल जाएंगी उसको। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिजाइनर है तो 2 नंबर सेलेक्ट करेगा, अगर सेलर है 3 नंबर सेलेक्ट करेगा। मैं मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो 1 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री हैं। तो मैं प्लम्बिंग से हूँ तो प्लम्बिंग का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड, SKU प्रोडक्ट कोड, यहाँ एक बार आपको क्लिक करना होगा ताकि यहाँ आपको प्रोडक्ट कोड मिल जाए वेबसाइट के माध्यम, वेबसाइट की तरफ से। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल दिया है, यहाँ पे इंग्लिश डिटेल इंग्लिश दिया है। यहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो सब क्लोज हो जाएगा, बट आप इसको ओपन करें। टाइटल यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं भी लिख देता हूँ प्लम्बिंग। आप यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी पूरी जानकारी लिखेंगे कि आप किस रेट में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ कि माई वर्क, मैं आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको अपनी पूरी डिटेल लिखनी होगी, आप कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, क्या कितने प्राइस में काम करेंगे, स्क्वायर फुट में क्या लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में क्या लेते हैं, पर डे क्या लेते हैं, ये सारे की जानकारी दे सकते हैं। देता हूँ यह टाइटल आप दे देंगे प्लम्बर वर्क, इसमें 2-3 वर्ड आप लिख सकते हैं जिससे आपको कोई भी सर्च करे तो आपको मालूम पड़ जाए। जैसे अपना नाम भी दे सकते हैं, जो अपना नाम दिए हैं तो मैं ये भी दे सकता हूँ मनीष प्लम्बर। डिस्क्रिप्शन में फिर वही चीज़, अगर डिस्क्रिप्शन जो दिखाना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आप क्या, सेम चीज़ ये जो ऊपर दिया है डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। तो आप इस डिस्क्रिप्शन में इमेज भी सेव कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ लिख दीजिए कि
कि आप क्या काम करते हैं, क्या कितना रेट होगा, तो लिख सकते हैं माई प्राइस। मैटर 300 रुपीज। मैं सपोज के लिए लिख रहा हूँ, आप अपनी ओरिजिनल प्राइस लिखिएगा इसमें। कीवर्ड सर्च देख रहे हैं आप, कीवर्ड सर्च में आप प्लम्बर वर्क लिख सकते हैं, पाइपलाइन वर्क लिख सकते हैं, अगर आप प्लम्बर हैं और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो जो आप काम करना चाहते हैं, जो जो आप काम कर सकते हैं। यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से एक बार सेव कंटिन्यू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें स्टॉक दे सकते हैं कि मतलब कि कितना स्टॉक है आपके पास, अगर आप सेलर हैं या मिस्त्री हैं, कितना आप काम करेंगे उतना आप स्टॉक दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ तो मैं 10 दे देता हूँ, अगर आप सेलर हैं तो आपको ज़्यादा देना होगा जितने आपके पास हैं। प्रोडक्ट प्राइस दे सकते हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो कितने क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, कितने पैसे में सेल कर रहे हैं, तो आपको ये देना होगा कि मैं जो भी चार्ज है, जैसे आपका विजिट चार्ज हो गया, कंसल्टेशन चार्ज हो गया, जैसे कि बात करने का चार्ज हो गया, ये इसमें आप ऐड करेंगे, क्योंकि यही चार्ज दिखेगा जो भी बंदा आएगा। तो ये रहा 300 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर आपके पास उस मटेरियल का वीडियो है जो 30 MB तक मैक्सिमम रहना चाहिए, या तो यहाँ पे ऊपर वाले में देख सकते हैं कि डाल सकते हैं, आप नीचे आ सकते हैं, देख सकते हैं कि इंडिया लोकेशन में देख सकते हैं कि आपका लोकेशन क्या है। आप अगर दूसरे जगह देना चाहते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ से आप काम करना चाहते हैं, लखनऊ में आप अपना एड शो करना चाहते हैं ताकि लखनऊ में आपका माल बिके, तो यहाँ से एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। नीचे सबमिट बटन दिया है राइट साइड में, इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। सो आप इसमें जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद वेबसाइट वेरीफाई करेगी, वेरीफाई होने के बाद आपका प्रोडक्ट शो होने लगेगा।